एक ऐसा रैकेट जिसके एक इंच के सोलवे हिस्से पर अगर आप 800 किलो तक वजन डालते हैं तो उस रैकेट को कुछ नहीं होगा वो रैकेट तो आप देखना चाहेंगे आज की वीडियो उस रैकेट से रिलेटेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही स्पेशल रैकेट जो है वो अनबॉक्स करने वाले हैं और उसका आपको रिव्यू देने वाले हैं और वीडियो के एंड में आपके लिए सरप्राइज भी है आपके लिए गुड न्यूज़ भी है तो जिस रैकेट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका मॉडल नेम है माउंटेन एंड रिवर बिल्कुल माउंटेन की तरह मज़बूत स्ट्रॉन्ग और रिवर की तरह बेहतरीन फ्लो करने वाला मैं बात कर रहा हूँ इस रैकेट की कंपो की आप देख सकते हैं कितनी सॉलिड किस्म की इसकी बॉक्सिंग है इसकी पैकेजिंग कितनी बेहतरीन किस्म की है क्योंकि ये रैकेट बिल्कुल डिज़र्व करता है अगर हम यहाँ पे खोलें तो इसको मैग्नेट ओपनर इसको लगाया हुआ है ये इसकी ओपनिंग है और ये इसके अंदर जो है वो पैकेजिंग है आपको पैकेज के अंदर एक रैकेट मिल जाता है आपको एक ओवर ग्रिप स्पेश ग्रिप मिल जाती है और एक डेडिकेटेड जो है वो आपको इसका कवर मिल जाता है जिससे आप अपने रैकेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम इस रैकेट को इस बॉक्स बॉक्स में से निकालें तो नीचे एक बहुत ही हाई एंड कंपो की स्ट्रिंग मिल जाती है ये बिल्कुल इस बॉक्स के अंदर कंप्लीमेंट्री है जिस तरह ये ग्रिप है और ये कवर है अगर मैं इस रैकेट का ज़रा आपको ओवर व्यू तो आप चेक कर सकते हैं इसकी पेंटिंग क्वालिटी इसकी ग्राफिक्स इसकी शाफ्ट इसका ग्रिप का स्टाइल और इसकी ओवरऑल जो रैकेट का स्ट्रक्चर है वो कितना बेहतरीन है कंपो ने इस रैकेट को लगातार छ माह की रिसर्च करने के बाद बनाया है और कंपो क्लेम कर रहा है कि ये रैकेट उनके सब रैकेट में से सबसे बेहतरीन रैकेट होने वाला है और फर्दर वो पूरी एक सीरीज़ इस रैकेट पे बनाने वाले हैं अच्छा इसकी सबसे मजे की बात ये है कि इस रैकेट में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो टी एट हंड्रेड यूज़ हुआ है अच्छा आपको बहुत सारे जो रैकेट रिव्यू करने वाले हैं ये शॉपकीपर आपको ये तो बताते होंगे कि इस रैकेट के अंदर टी थर्टी यूज हुआ है टी फोर्टी यूज़ हुआ है टी फोर्टी फाइव यूज़ हुआ है थ्री हंड्रेड यूज हुआ है लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि टी फोर्टी का क्या मतलब है टी थर्टी का क्या मतलब है टी फाइव हंड्रेड का क्या मतलब है तो मेरा बेसिकली थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो टी है वो यूनिट है हार्डनेस का उसका मतलब ये होगा कि अगर उस यूनिट को हम फर्दर एक्सप्लेन करें आप इस रैकेट का कोई भी एक पोर्शन लें आप शाफ्ट लें एक इंच लें और एक इंच के सोलह हिस्से करें और उस सोलह हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्से पर अगर आप आठ सौ के तक वजन डालते हैं तो वो मटेरियल डैमेज नहीं होगा वो मटेरियल वहीं पे सस्टेन करेगा और उस मटेरियल को हम बोलेंगे T800 इसी तरह अगर किसी रैकेट के अंदर T30 है जो कि वो भी बहुत अच्छा मटेरियल है तो वो एक इंच के सोल में हिस्से पर 30 के जी अगर वज़न हम डालें तो वो मटेरियल वहाँ पे सस्टेन करेगा तो इसके आप फीचर्स इसकी कैपेबिलिटी आप यहीं पे चेक कर सकते हैं कि ये टी एट यूज़ किया गया दूसरी इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसकी जो शाफ्ट है ये दूसरी शाफ्ट से ज़रा पतली है स्लिम शाफ्ट है 6.8 पॉइंट mm एट इसकी शाफ्ट है जो कि इसको बहुत अच्छा एक मोमेंटम प्रोवाइड करती है जब आप शॉट खेलते हैं तीसरा इसका सबसे बेहतरीन फीचर ये है जो यूजली जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं और उनके हाई एंड जो रैकेट्स हैं उन्हीं के अंदर पाया जाता है वो इसके अंदर है थर्मल फॉर्मिंग आप पिक्चर्स के अंदर देख रहे होंगे यूजली जो भी रैकेट्स आप बाय करते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं लेकिन जो हाई एंड रैकेट हैं जो प्लेयर एडिशन रैकेट्स होते हैं उसके अंदर अब नई टेक्नोलॉजी आई है वो अंदर थर्मल फॉर्मिंग करते हैं जिससे आपका रैकेट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है आपके रैकेट के वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपका रैकेट का कंट्रोल और भी बेहतर हो जाता है अच्छा चौथी इस रैकेट की सबसे बेहतरीन बात यह है कि रैकेट हेड हैवी है यानी इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो थ्री टेन एम एम के करीब है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थ्री हंड्रेड से ऊपर रैकेट जो है वो हेड हैवी हो जाता है तो ये थ्री टेन है तो ये एक्सट्रीमली हेड हैवी रैकेट है और प्लेयर्स के लिए है अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो नॉर्मल गेम करता है या डिफेंसिव गेम करता है या बैलेंस गेम करता है तो उसके लिए वो ये रैकेट नहीं है ये रैकेट सिर्फ ऑफेंसिव प्लेयर के लिए है जो बहुत ज़्यादा स्मैश खेलते हैं बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं ये रैकेट उन्हीं के लिए अच्छा पाँचवीं इस रैकेट की सबसे बेहतरीन बात यह है कि जैसा आपको मैंने बताया कि मटीरियल बहुत बेहतरीन है हाई क्वालिटी मटीरियल है इसी तरह बह� इस पर आप हाई टेंशन भी कर सकते हैं कंपनी जो क्लेम करती है कि अगर आप 32 टू करके इस पर खेलेंगे तो इस रैकेट के जो फीचर्स हैं वो उभर कर सामने आएंगे बेहतरीन रिजल्ट देंगे आप इस पर थर्टी भी कर सकते हैं आप ट्वेंटी भी कर सकते हैं थर्टी भी कर सकते हैं तो ये रैकेट के अपने फीचर्स हैं लेकिन ये हाई टेंशन रैकेट है छटा इसका सबसे बेहतरीन फ़ीचर ये है जो आज तक मैंने किसी और रैकेट में नहीं देखा वो इसकी ये वाली कोन है यूजली ये होता है कि अगर आप इसको क्लोजअप में ज़रा देख सकें ये वाली जो कोन है ये भी केवलार मटेरियल की बनी हुई है इसके अंदर आप डिफरेंट शेड देख सकते होंगे ये केवलार मटेरियल की बनी हुई है जो इस पूरे मटेरियल को इस पूरी शाफ्ट को जो है इसके साथ कंपर्टेबल है और इसको सपोर्ट करती है अच्छा यूजली होता ये है कि अगर आपके रैकेट का मटेरियल बहुत ज़्यादा हाई एंड मटेरियल है बहुत लेवल का मटेरियल है लेकिन ये जो कोन है यूजली प्लास्टिक की यूज़ की जाती है तो वो पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही होती इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इसकी जो कोन है वो भी कैलार मटेरियल की बनी हुई है जो इस रैकेट के मटेरियल के साथ बिल्कुल कम्फर्टेबल है तो ये ओवरऑल इस रैकेट की स्पेसिफिकेशन है चाइना की जो ही प्रोविजन की टीम है उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हमारे पाकिस्तान में तो जो नेशनल लेवल की टीम है वो भी शायद उनको वो उस लेवल की ना हो मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी टीम को डिग्रेड करूं लेकिन ज़ाहिर है चाइना दुनिया का नंबर वन बैडमिंटन के अंदर आ, कंट्री समझा जाता है तो उनकी जो प्रोविजन लेवल की टीम्स है वो भी दूसरे मुल्कों की नेशनल टीम से बेहतर होती हैं तो उस टीम के लिए डिजाइन किया गया है क्या? अब लास्ट में जो मैंने आपको गुड न्यूज देनी थी वो ये थी कि ये रैकेट हम यूजली स्टॉक में नहीं रखने वाले लेकिन अगर आप ये वीडियो देखकर कर ये रैकेट ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं आपको 15 से 20 डेज में ये ऑर्डर मिल सकता है उसके लिए आपको 30 परसेंट हमें एडवांस देना पड़ेगा बाकी 70 परसेंट पेमेंट आपको जब रैकेट आपको हम डिलीवर करने लगेंगे उससे पहले आपको देना होगा अब आप ये जरूर पूछना चाहेंगे कि इस रैकेट की प्राइस क्या है अब इसकी प्राइस भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी जो कंपनी ने रिटेल प्राइस रखी है वो सेवनटी रखी है लेकिन आपको ये सेवेंटी में नहीं मिलेगा कंपो के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरी दुनिया में हर कंट्री की कंट्री के हिसाब से उन्होंने प्राइस एडजस्ट किए हैं यानी डिस्ट्रीब्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उस बेस पे इसकी प्राइस होगी तो आपको ये रैकेट मिल सकता है थर्टी सिक्स थाउजेंड में यानी आपको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इस रैकेट पे अगर आप रैकेट ये बाय करना चाहते हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड का आप थर्टी परसेंट हमें एडवांस देंगे पंद्रह से बीस दिनों में ये रैकेट आपको मिल जाएगा उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़